हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ये हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, इसे हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। हम देखिए, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। इस इक्वेशन से हम वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 2 - 3x। ये हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 - 3x अपॉन में 4। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। अब वाई की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इंटू में वाई की जगह पर पुट कर देंगे 2 - 3x अपॉन में 4, 2 - 3x अपॉन में 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 4 से 8 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 2x। 2x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अगर हम इसका कंपेरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। a b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू में -4 प्लस माइनस रूट में माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू में सी की वैल्यू है -12 अपॉन में 2 इंटू में ए की वैल्यू है 5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट में, ये हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 240 अपॉन में 10। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट में 256 अपॉन में 10। एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 अपॉन में 10। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक्स वन इज इक्वल टू 4 प्लस 16 अपॉन में 10 एंड एक्स टू इज इक्वल टू 4 माइनस 16 अपॉन में 10। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस 12 अपॉन में 10 इज इक्वल टू -6/5। अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 - 3x अपॉन में 4। यहाँ देखिए, x1 की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 2 - 3 इंटू में 2 अपॉन में 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -4 अपॉन में 4, y1 इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास आ गया x1 और y1, ये हमारे पास है 2 एंड -1। अब यहाँ पे देखिए, x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी -6/5। अब इस इक्वेशन में हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 - 3x अपॉन में 4। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 2 - 3 इंटू में -6/5। ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 इंटू में 2 + 18 अपॉन में 5, 1/4 इंटू में, यहाँ देखिए इसे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28 अपॉन में 5। 4 से 28 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो यहाँ से हमारे पास x2 और y2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गया है -6/5 एंड 7/5। ये हमारा आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।